तो हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञानों के पर। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो होने वाली है वो बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है आप सभी के लिए, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम आधार कार्ड पर बिना किसी आईडी प्रूफ के, यानी कि बिना किसी दस्तावेज के, आप जो है अपने एड्रेस को कैसे अपडेट कर सकते हैं, उसमें कैसे आप जो है चेंजेस कर पाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग जो है कभी काम के सिलसिले में बाहर होते हैं, सो हमारे पास उस जगह का कोई भी आईडी प्रूफ नहीं होता है और हम चाहते हैं कि हम जो है हमारे आधार कार्ड वहाँ का पता है वो उसमें ला सकें। तो ऐसे में आप सभी के जो है काम पे आता है एक हेड ऑफ फैमिली का ऑप्शन, जिसमें कि आप सभी किसी भी दूसरे सदस्य का जो एड्रेस है वो अपने आधार पे ला सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, ऐसा पॉसिबल है। तो इस वीडियो में हम जो है पूरा प्रोसेस देख लेंगे कि किस तरीके से जो प्रोसेस है वो अप्लाई होगा, कैसे हम जो है इसको वर्क कराएंगे, कैसे हम जो है न्यू एड्रेस को अपडेट करेंगे यहाँ पर। तो पूरा प्रोसेस जो है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाऊंगा और आपको भी सिंपली उन्हीं स्टेप्स को फॉलो कर अपना जो है एड्रेस को चेंज कर सकते हैं दोस्तों। तो बिना कुछ टाइम वेस्ट के चलते अपनी वीडियो की तरफ, मगर इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो उसको लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके साथ लाते रहते हैं। तो दोस्तों बिना कुछ टाइम वेस्ट के चलते अपने वीडियो की तरफ। अब दोस्तों आपको करना क्या होगा, आपको सिंपली एक ब्राउजर ओपन कर लेना है। जैसे आप ब्राउजर ओपन कर लेंगे तो आपको सिर्फ सिंपल सर्च करना होगा SSUPUDI। तो जैसे आप इसको सर्च करेंगे तो आपके सामने जो है पहला एक ऑफिशियल पेज आ जाएगा, जिसमें आपको ऑफिशियल वेबसाइट दे रखी, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे SSUP.UDI.GOV.IN। तो सिंपली जो है इस ऑफिशियल वेबसाइट को हमें जो है ओपन कर लेना है। अब दोस्तों जैसे आप इसको सर्च करेंगे तो कुछ इसी प्रकार का जो है आपके सामने पेज ओपन होकर आ जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे वीडियो पे। अब दोस्तों यहाँ पर अपडेशन करने के लिए हमें जो है लॉग इन करने की जरूरत होगी। तो लॉग इन पे क्लिक करने के बाद, जिसके बाद हमें जो है अपना यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डाल देना होगा दोस्तों। जो आपका आधार नंबर है उस आधार नंबर को आप फिल कर दीजिए, देन जो आपको अबव कैप्चर दिया गया है सेम इस कैप्चर को एज इट इज आपको जो है यहाँ पे फिल करना होगा दोस्तों। जैसे आप कैप्चर को फिल कर दे तो सेंड ओटीपी पे जाकर क्लिक कर दीजिए। अब जो नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक होगा उस पर एक ओटीपी भेजा जाएगा, तो अपने मोबाइल पर एक जो ओटीपी आएगा उसको जो है आपको एंटर ओटीपी पे जाकर फिल कर देना है, देन लॉगिन पे जाकर आप सिंपली क्लिक कर दीजिए दोस्तों। अब जैसे आप इस पे क्लिक कर देंगे तो आप देख पा रहे होंगे माय आधार की जो है सर्विसेज आपके सामने ओपन होकर आ चुकी है। तो सिंपली अभी आपको करना क्या होगा, आपको जो है प्रोफाइल के आइकन पे जाना होगा। यहाँ पर जो है आपको करंट एड्रेस देख रहे होंगे, उस करंट एड्रेस को देख लेना है। दोनों तरफ आप जो है इसको फ्लिप कर देख सकते हैं। नाउ जब आप इसको देख लेंगे तो आपको अपने आधार कार्ड के एड्रेस को अपडेट करने के लिए आपको यहाँ पे एक सर्विस का ऑप्शन दिया गया है, जिसमें आपको दिखाया गया है नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ एंड एड्रेस अपडेट। तो इस पर सिंपली आपको क्लिक कर देना होगा दोस्तों, इसी ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। नाउ आपके सामने यहाँ पर तीन सर्विस ओपन होकर आएगी, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे प्लीज सिलेक्ट टाइप ऑफ ऑनलाइन आधार अपडेट। अब दोस्तों आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है हेड ऑफ फैमिली का HOF बेस्ड ऑन आधार अपडेट। तो यहाँ पर जो है अगर आपके पास एड्रेस नहीं है, आप बिना एड्रेस के जो है अपना आधार कार्ड में एड्रेस को अपडेट कराना चाहते हैं, तो आपको सिंपली जो है हेड ऑफ फैमिली बेस्ड आधार पे जाकर सिंपली इस पे क्लिक करना होगा। तो हेड ऑफ फैमिली पे जाकर आप जो है अपना एड्रेस चेंज कर पाएंगे। तो दोस्तों इस पर जब आप जाएंगे तो आप जो है अपने फैमिली मेंबर के बिहाव पर अपना जो है एड्रेस को चेंज कर सकते हैं अपने आधार कार्ड पे। तो सिंपली जो है आपको हेड ऑफ फैमिली पे जाकर क्लिक कर देना होगा। नाउ आपको यहाँ पे कुछ जो है टर्म एंड कंडीशन दिखाई गई है, तो आपको सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर देना होगा। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे आपका जो है करंट एड्रेस की डिटेल यहाँ पर आपको दिखा दी गई है। तो अभी जो वर्तमान में करंट एड्रेस आपका इस पर डाला हुआ है तो आप यहाँ पर देखेंगे, पहले आप इंग्लिश में देखेंगे, साथ ही आपकी जो है रीजनल लैंग्वेज उसमें भी आपको दिखाया हुआ है। नाउ दोस्तों आप अगर इसको थोड़ा सा स्वाइप डाउन करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे डिटेल ऑफ हेड ऑफ फैमिली रिक्वायर फॉर अपडेट। यहाँ पर आपको जो है तो इस ऑप्शन में जिस भी फैमिली का जो है एड्रेस आप अपने आधार कार्ड में लाना चाहते हो उसके डिजायर पे उनका जो है आधार कार्ड नंबर आपको यहाँ पे फिल कर देना होगा दोस्तों। दोस्तों इसके बाद आप देखेंगे उस आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर लिंक्ड होगा, यानी कि रजिस्टर्ड होगा जो भी मोबाइल नंबर आधार कार्ड से, उसके कुछ नंबर यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। नाउ दोस्तों इस पर एक OTP आएगा ऑथेंटिकेशन के लिए। नाउ अब नीचे आपको जो है यहाँ पे दे रखा है सिलेक्ट हेड ऑफ रिलेशन विथ एप्लीकेंट, यानी कि आपका जो है क्या रिलेशन है जिनका जो है आप एड्रेस अपने आधार कार्ड पे लाना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको चूज करना होगा फादर है, गार्जियन है, हस्बैंड है, मदर है, वाइफ है या फिर अदर्स है। तो आपको जो है सिंपली उसको चूज कर लेना होगा जो भी आपका होगा, यानी कि जिनका भी जो है आप एड्रेस अपने एड्रेस पे ला रहे हैं उन व्यक्ति से आपका क्या रिलेशन है। तो आप कोई भी अपनी मर्जी से चुन सकते हैं, आप अदर भी चूज कर सकते हो अगर आप इनमें से कोई नहीं है उन ऑप्शंस में से, बट अदर का ऑप्शन दिखा रखा है आपको तो आप अदर्स भी चुन सकते हैं। नाउ आपको इसमें सिलेक्ट वैलिड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट टाइप, तो आपको यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट टाइप को सिलेक्ट करना होगा, क्योंकि इसके थ्रू जो है आपके फैमिली मेंबर का जो आधार है वही अपडेट किया जा सकता है। तो इसमें आप देखेंगे कि इसमें जो डॉक्यूमेंट दे रखे हैं कई सारे आपके पास जो है अवेलेबल होंगे, राशन कार्ड हो गया, फिर गवर्नमेंट आईडी हो गया, मार्कशीट हो गया, मैरिज सर्टिफिकेट हो गया, पेंशनर फोटो कार्ड हो गया, राशन कार्ड हो गया। तो एक्सेट्रा आप जो भी है ये सभी में से एक डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा, तो आपको जो है एक प्रूफ देना होगा। इनमें से आप डाल सकते हैं, मगर अगर आपके पास डॉक्यूमेंट
राइट नहीं है, क्योंकि हमने आपको बताया था जैसे कि आप बिन डॉक्यूमेंट्स के यहाँ पे जो है एड्रेस को चेंज कर सकते हैं। तो आपको सिंपली क्या करना होगा, यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया आपको सेल्फ डिक्लेरेशन एज पर नोटिफाइड फॉर्मेट ऑफ हेड ऑफ द फैमिली पेज एड्रेस अपडेट। तो सिंपली जो है आपको, तो दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे कि सेल्फ डिक्लेरेशन का आपको जो है एक फॉर्मेट दिया गया है यूडीआई की तरफ से। तो उस फॉर्मेट का जो लिंक है तो वो मैं आपको जो है डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, जिसके थ्रू ये जो आपका अपडेटेशन है वो आप कर सकते हैं बिना कोई दस्तावेज के होने के बाद भी। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तभी जो है आपका अपडेटेशन यहाँ पर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे इंडियन पासपोर्ट को जो है सिलेक्ट किया है दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट एडवाइजरी यहाँ पर आपकी आ चुकी है। अब दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमने इंडियन पासपोर्ट को जो है सिलेक्ट किया है, तो यहाँ पे एडवाइजरी में आपको बताया गया है, इसमें आपको ये श्योर करना है कि आप जो पासपोर्ट अपलोड कर रहे हो उस पे वो जो रिलेशन है वो आपका रिलेशन यहाँ पे साबित होना चाहिए, यानी कि आपके जो हस्बैंड वाइफ है यहाँ पे जो भी है उनका जो है नाम यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए। तो यहाँ पे सिंपली अभी हम जो है क्या करेंगे, ओके का बटन दिखा रहे हैं आपको, ओके के बटन पे जाकर क्लिक कर देंगे। नाउ आपको दोस्तों क्या करना होगा, यहाँ पे नीचे व्यू डिटेल एंड अपलोड डॉक्यूमेंट पे जाकर सिलेक्ट करना होगा। तो नाउ यहाँ पे कंटिन्यू टू अपलोड के जो है ऑप्शन दिया गया है, इस पे सिलेक्ट करके अपना जो डॉक्यूमेंट है उसे अपलोड कर देंगे। इसी प्रकार से आप भी कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर दे सकते हैं। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है तो मैंने आपको जो ऑप्शन बताया था सेल्फ डिक्लेरेशन का, आपको सिंपली उसको सिलेक्ट करना होगा। जो एडवाइजरी फॉर्म बताया था मैंने आपको, उसकी वजह से जो है आप बिना कोई डॉक्यूमेंट्स के यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। देन आपको नेक्स्ट के बटन पे जाकर क्लिक कर देना होगा दोस्तों। देन आपको यहाँ पे मेक पे अपना जो है पेमेंट को सिलेक्ट कर लेना है, जिस भी पेमेंट मेथड से आप जो है इसको पेमेंट करना चाहते हैं। 50 रुपीज का जो है आप यहाँ पे चार्ज लगेगा। नाउ जो है आपको यहाँ पे से पेमेंट कर लेनी है अपने मेथड से, क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं, वॉलेट एंड यूपीआई से भी कर सकते हैं। सिंपली मैं जो है अभी यूपीआई से करके दिखाऊंगा आपको। तो ये मैं अपना कर रहा हूँ, तो आप भी जो है जिससे प्रेफर करते हैं आप मेथड से, आप उस मेथड से अपना जो है पेमेंट को कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे गूगल पे से करूंगा अपना। तो मैंने यहाँ पे पेमेंट कर ली है, आपको भी सिंपली अपनी पेमेंट को कर देना है दोस्तों। पेमेंट होने के बाद आपके कुछ इसी प्रकार से एक जो है एक्नॉलेजमेंट स्लिप भी आ जाएगा, तो आप जो है इस एक्नॉलेजमेंट स्लिप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। देख सकते हैं आपका ट्रांजेक्शन स्टेटस आपको दिखा दिया गया है, पेमेंट डेट आपको दिखा दी गई है, अमाउंट आपका 50 रुपीज कट गया है यहाँ पर। अब नाउ सिंपली आपको जो है डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट में जाकर इसकी जो है स्लिप को आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो सिंपली इसको सेव कर दीजिएगा। नाउ एक्नॉलेजमेंट स्लिप में आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको जो है एक SRN नंबर भी दिया गया है, उस SRN नंबर को जो है आपको यहाँ पे सेव कर लेना है। इस SRN नंबर के थ्रू आप ये भी देख सकते हैं इसका स्टेटस भी जो है आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो स्टेटस को आप जो है गो डैशबोर्ड दिखाया जा रहा है, इस पर जाकर सिंपली चेक कर सकते हैं। आपको सिंपली करना क्या होगा, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है, तो आप पेज की तरफ नीचे आएंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे जितने भी अपडेटेशन आपने अभी किए होंगे उन सभी का जो है करंट स्टेटस आपको यहाँ पे दिखा दिया जाएगा। तो दोस्तों आप वो जो है यहाँ पे से आगे किसी भी चीज को अपना जो है आपने अपडेटेशन करवाया होगा उसका स्टेटस यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि जो आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो उसको लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलेगा। मिलते हैं फिर इसी प्रकार के और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद एंड जय हिंद।